बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज 2022 19 सितंबर मंडे का दिन है, जिसे पीर भी कहते हैं और सोमवार भी कहते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इन चोरों को लाया गया। इन चोरों ने आते ही अपने केस माफ़ करवाए, अपना मकसद पूरा कर लिया। इनके जो लाने वाले थे उनको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इनका कोई भी काम किसी फ़ायदे के बगैर नहीं होता। इनका क्या फ़ायदा हुआ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि उनको क्या फ़ायदा हुआ इनको लाने का। और क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि नैब तरमीम का केस इनके पास अभी भी मौजूद है, जिसका फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन एहतसाब अदालतों ने नैब मुकदमात ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं? क्या इस वारदात पर कोई सोमोटो नोटिस लेगा? चूतिया बनाया तुमको। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई पूछने वाला है कि इस कानून को ख़त्म क्यों किया गया? या अपनी मर्ज़ी के केस आपने खोलने हैं और अपनी मर्ज़ी के ही फ़ैसले देने हैं? हैर, इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात की शिकें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। जैसे मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी बताया कि आते हुए 2 दिनों में ये चीज़ें आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी। बाकी रह गया इलेक्शन कमीशन का, तो वो भी उनका पालतू कुत्ता है, वो भी आज कोई ना कोई उसमें बेहतरी आ जाएगी। फैसला तो सेव हो चुका है, आज उसको भी आपको सुना दिया जाएगा। वो भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि उसका क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के बारे में, तोशाहाना केस के बारे में। तोशाहाना जो एक घड़ी या 2-3 चीज़ें, ये चीज़ें तोशाहाना में उन्होंने डाली हुई है, इस पर इमरान खान को नाहल किया जा रहा था। तो उसका भी आज फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान में मुआशी तबाही के बाद अब सैलाबी तबाही भी मौजूद है, पाकिस्तान को तबाह कर रही है। और पाकिस्तान में जिंदा लाशें मुर्दा लाशों को नहीं दफना पा रही, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जाली वज़ीर आज़म, कठपुतली वज़ीर आज़म भी उसे कहते हैं, वो मलका को दफनाने लंदन पहुँचा हुआ है। समझ इस बात की नहीं आती कि कैसे किसी मुल्क में जब कोई आफत आई हो, मुल्क तबाह हो रहा हो मुआशी तौर पे और सैलाबी तौर पे भी, तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने भाई को मिलने दूसरे मुल्क के दौरे पर होता है और वो मलका को दफनाने गया हुआ है। पाकिस्तान की मुआशियत को दफना के अब ये भाई बहन और बेटी मिल के, चाचा भतीजा भी, ये सारे मिल के अब पाकिस्तान को दफनाना चाहते हैं। खैर, वहाँ पर जो बातें हुई नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के बारे में, वो सब आप तक भी पहुँच गई होंगी कि कैसे उन्होंने आपस में ये तय किया कि हम इलेक्शन को और एक्सटेंड करेंगे, आगे लेके जाएंगे, अपने वक्त पे करवाने की कोशिश करेंगे इस मुआशी बदहाली के बावजूद। ना तो उनका कोई दिल है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, आम इंतहाबात की तरफ जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाए। उनका कहना यह भी था आपस में दोनों भाइयों का कि हम ही आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इस खानदान का ख्याल ये है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का जो सरबरा है आर्मी का, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान की तकरीबन, वो ताकतवर पोस्ट, उसका इंतहाब ये चोर करेंगे, ये भगोड़े करेंगे जो अदालत से मंजूर शुदा भगोड़े हैं। हर ज़िल्लत और रसवाई इन चोरों और गद्दारों का मुकद्दर बन चुकी है। हमारे ओवरसीज़ भाई जो इनको हर आए दिन जलील करते हैं, जब भी नून लीग का कोई भी या पीडीएम का बंदा बाहर नजर आता है उसको चोर चोर के नारे लगते हैं। पाकिस्तान में तो ये पकड़ के अंदर डाल लेते हैं, इनके पास ताकत है, कोई आप पे सवाल नहीं कर सकता। इन पर अगर उंगली उठाएंगे ये कैसे, तो ये आपको अंदर डाल देंगे और करंटे लगाएंगे उधर, समझ रहे हो। खैर, इस पर मरियम सफदर नवाज का एक ट्वीट आया, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ट्वीट बहुत मज़े का है कि नवाज शरीफ के मुहालफीन ने इनके खिलाफ जुल्म व इंतकाम की हर हद पार कर दी है, इन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुहालफीन की इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आँखों से ऐसी इसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। तो बीबी, कौन सा सियासी नक्शा तरतीब दे रहे हैं ये? निकल लो।
इनका दिल है कि ये आर्मी चीफ को अपॉइंट करें, इलेक्शन अपने टाइम पे हो। आपको पता है कि इलेक्शन अभी हो गए तो भी आप रगड़े जाएंगे, इलेक्शन बाद में हुए तो भी आप रगड़े जाएंगे। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जितना लूट सकते हो लूट लो। इस लूट की मैं आगे आपको एक और डिटेल बताता हूँ, ये पाकिस्तान को लूट किस किस तरह से रहे हैं। वो जरदारी चोर मिल के, क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत है, वफाक में इनकी हुकूमत है, ये मिल के अब पाकिस्तान को सिर्फ लूट रहे हैं। टाइम गेन अब इसलिए कर रहे हैं कि हम किस किस तरीके से पाकिस्तान के पैसे निकाल सकते हैं। और इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि BISP की रकम हैक कर निकलवाई जा रही है। ये वफाक में तो कोई गेम कर नहीं सकते, सिंध में उन चोरों की हुकूमत है, और वो चोर जो सिंध के हैं, जो कई सालों से सिंध को खा रहे हैं, इस सारे सैलाब के जिम्मेदार भी वही हैं, बन भी उन्होंने बनाए, उन्होंने छोटे छोटे डैम भी बनाए। वो अब ये कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की जो जमा शुदा रकम थी, ये रिपोर्ट भी आपके सामने चल रही होगी, उसको हैक करके निकलवाया जा रहा है। इसके बावजूद के नवाबशाह हैरपुर रोड दरिया का मंजर पेश कर रहा है, दादू जोही हैरपुर नाथन शाह के सैकड़ों देहात अब भी इसी सैलाब की जद में हैं। और इन हैकर्स का आप सबको भी पता है कि ये हैकर्स कौन हैं। हैकर्स बेसिकली चोर को कहते हैं जो चोरी करें। अब वो पैसे निकलवा के सैलाब मुतासरीन का, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक टेंट पे भी कब्जा किया हुआ था। पिछले दिनों आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, टेंट एक गोदाम में से निकल रहे हैं, टेंट में ठोकने वाले कील सड़िए के इतने इतने बड़े पीस, वो भी इनके गोदाम से मिल रहे हैं। खाने की बोरियां गोदामों से मिल रही हैं, या तो इनके इलाकों में जिन पर सैलाब की कमी है उसमें सुपर स्टोरों में वो बिक रही हैं, UK एड और US एड। इस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी को, तो ये चल रहा है अभी तक सिंध में। इसके अलावा आज चकवाल में इमरान खान का जलसा भी है, उसमें भी लोग शिरकत कर रहे हैं, उसके भी बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।